लखनऊ के जानकीपुरम से गायब उन्नति का शव एक नाले के पास मिला है। 10 फरवरी को गायब हुई उन्नति विश्वकर्मा इंटरमीडिएट की छात्रा उन्नति के साथ रेप कर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया था। गाजियाबाद की दीप्ति अपहरण केस में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दीप्ति का अपहरण एक तरफा प्यार में किया गया था। डर फिल्म से प्रेरित होकर एक साइको आरोपी ने उसके अपहरण की साजिश रची। अपहरण में इस्तेमाल स्विफ्ट कार ऑटो पुलिस ने बरामद किया। जम्मू विवाद के बीच एबीवीपी ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें एआईएसएफ नेता देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जिसमें नेता नारे लगा रहे हैं कि अफसर हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तो वहीं एआईएसएफ नेताओं ने इस वीडियो को फर्जी करार दिया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। युवक पर आरोप है कि उसने अपने फेसबुक अकाउंट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है। दिल्ली में हिंदू जागृति मंच ने जेएनयू विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सख्तियों पर लिखा है जेएनयू समर्थक नेताओं का नाश हो, देश के गद्दारों का नाश हो। जेएनयू में चल रहे विवाद की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की आलोचना, कहा कुछ समकी लोगों की नारेबाजी से भारत खत्म नहीं हो जाएगा। जेएनयू विवाद पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदर्शन को हाफिज सईद का समर्थन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हुई है उसे लश्करे तोयबा के चीफ हाफिज सईद का भी समर्थन प्राप्त है। देश को इस हकीकत को भी समझना चाहिए क्योंकि उसने समर्थन किया है लश्करे तोयबा के चीफ हाफिज सईद ने। यह भी बहुत ही दुर्भाग्य। ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। ऑटो चालक परमिट दिए जाने की फीस में इजाफा वापस लेने, कैब सर्विस को बंद करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के मायापुरी में एक डीटीसी बस में आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। बस की टक्कर से एक मजदूर की मौत अभी हाल ही में हुई थी, जिससे लोगों में गुस्सा। गुड़गांव के खोजरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाया। मुंबई मेक इन इंडिया के स्टेज पर भीषण आग लग गई। भीषण आग में पूरा पंडाल जलकर खाक। डांस समारोह के दौरान आग लगी। आरक में सीएम फडणवीस, अमिताभ बच्चन, आमिर खान मौजूद थे। देश की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। वीवीआईपी की सुरक्षा से हटाए गए 600 कमांडो आतंकियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में लगाए जाएंगे सभी। आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी। गोपुर में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। फिर पिछाड़ागुड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में महिला संगठनों से करेंगे बात। अप्रैल में 17% कम हो सकते हैं गैस के दाम। आम जनता को मिल सकता है मात्र 214 रुपए में गैस सिलेंडर। सालाना होने वाले समीक्षा में हो सकता है फैसला। 11 अप्रैल से निश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं रेलवे यूनियन। नई पेंशन योजना और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने की मांग जारी है। कोची में 5,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। सूर्य नमस्कार रक्त सप्तमी के अवसर पर किया गया। कानपुर में 9वीं छात्रा को वैलेंटाइन डे पर दबंग ने सड़क पर जबरन वैलेंटाइन डे विश किया। साथ ही छात्रा को शाम को मिलने के लिए बोला, ऐसा ना करने पर तेजाब डालने की धमकी। इंदौर में तेज रफ्तार से आ रही मारुति वैन का पेट्रोल पाइप फटने से कार में लगी आग, जिसके बाद ड्राइवर को खासी मशक्कत से बाहर के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया। प्रतापगढ़ में आजपुर देवसरा में पुलिस ने 1500 पेटी अंग्रेजी और 400 पेटी देसी अवैध शराब बरामद की। हालांकि मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इटा पुलिस ने अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से एक खट्टा कार, 3 तमच्चे, कारतूस सहित टूटी गई नकदी बरामद। गोरखपुर में होने वाले मंडल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए महाराजगंज से बच्चे रवाना हुए। जिले से 127 बच्चे प्रतियोगिता के लिए भेजे गए हैं। खबरों में स्थानीय लोगों ने सियाचिन के शहीद जवान हनुमन थप्पा सहित 10 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने शहीदों की फोटो कर मोमबत्ती जलाकर उनकी कुर्बानी और शहादत को याद किया। कानपुर पहुंचे एफटीआई के अध्यक्ष कलिंद चौहान ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा पीएम मोदी के अच्छे कामों से राहुल गांधी को होती है जलन।